भगवान बुद्ध से दो धाराओं का जन्म हुआ, हीनयान और महायान। हीनयान जिसका अर्थ होता है छोटी नाव, वह अर्हतों की दुनिया से संबंध रखता है। यह पथ एकांत और स्वयं के आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। इस छोटी नाव में केवल एक व्यक्ति ही पार जा सकता है, और यदि आप किसी और को इसमें बिठा लें तो खतरा यह है कि नाव डूब सकती है और आप दोनों समुद्र में खो सकते हैं। वहीं महायान जिसका अर्थ है बड़ा जहाज, वह बोधिसत्व के मार्ग का प्रतीक है। बोधिसत्व एक महान गुरु होते हैं जो सभी को संबोधित करते हैं। वह नोआस आर्क कथित नौका की तरह सभी प्रकार के लोगों को अपने संग में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। महायान का उद्देश्य है कि वह अधिक से अधिक जन को ज्ञान की ओर ले जाए और साथ में पार उतारे। ओशो की नाव महायान है। उन्होंने सभी प्रकार के व्यक्तियों को, सारे धर्मों, सारी जातियां, सारे ध्यान की विधियों को, योग तंत्र मंत्र सबको स्वीकार किया। इससे पहले कभी भी ये घटना नहीं घटी थी कि एक गुरु ने संपूर्ण सत्य की बात की हो, हर मार्ग को स्वीकार करा हो। सत्य बहुत बड़ा है, विराट है, उसमें दिन भी है रात भी है। जितना तुम उसमें गहरे जाते हो उसमें खोते चले जाते हो, जैसे एक नमक का पुतला सागर में कूद गया हो और खो गया हो। मेरा निमंत्रण है तुम्हें इस खुद को जानने की यात्रा पर जरूर निकलना। गुरु के प्रकाश को अपने भीतर जला लो और अपने होने को पहचान लो। प्रणाम।